मैं नेहा चौधरी नेहा यम्मी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भिंडी की सब्जी वैसे तो अलग अलग तरह से बनाई जाती है, उसमें से मैं आप लोगों के साथ भिंडी मसाला फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो टेस्ट में खट्टा और चटपटा होगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लेना है। इसके लिए 500 ग्राम भिंडी, 2 प्याज, 1 नींबू, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक ली हूँ। अब भिंडी और प्याज को काट लेते हैं। प्याज को पतला पतला छोटा छोटा काट ली हूँ और 2 हरी मिर्च को भी छोटा छोटा काट ली हूँ। उसके बाद इसको मीडियम साइज में कट कर लेंगे। सभी भिंडी को कट कर ली हूँ। मैं इसके लिए सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप इसके लिए रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब भिंडी मसाला फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें तेल डालते हैं। 6 चम्मच तेल यूज कर रही हूँ। तेल गरम हो गया, इसमें अब आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हल्का हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसमें भिंडी को डालेंगे। भिंडी को मीडियम फ्लेम पे चला चला कर भुनेंगे। जब भिंडी का हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें प्याज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये चेंज हो चुका है। पांच मिनट तक प्याज को चला चला के फ्राई कर लेंगे। भिंडी और प्याज दोनों हल्का फ्राई हो गया, अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च आधा चम्मच डालिए या इसको स्किप कर दीजिए। मसाला ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं भिंडी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे ये बनते जाएगा इसका कलर और अच्छा होते जाएगा। इसको ढक कर नहीं पकाना है। भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसमें आधा चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू के रस से भिंडी का टेस्ट चटपटा हो जाएगा। भिंडी मसाला फ्राई बनके रेडी है, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको भिंडी मसाला फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूं। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।